Self-Made, presented by Brands Academy, powered by Introducing International Standard Air and RO Water Purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Knowledge Partner, WBR Corporation. Styling Partner, Lalit Dalmia. Beauty Partner, Kanchan's Hope Surat. Location Partner, BP Marine. नमस्कार, मैं हूं रोहित रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में जिसका नाम है सेल्फ मेड। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जो आपको प्रेरित करेगा, आपको साहस देगा अपने सपनों को साकार करने का। आज मैं एक ऐसे नाविक की कहानी लेकर आया हूं जो पारिवारिक रीजंस की वजह से घर छोड़कर गए थे, लेकिन जब समुद्र से लौटे तो उनके हाथ में थी सरस्वती की गठरी। आज वो भारत के हजारों बच्चों को नाविक बना रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित बीपी मरीन एकेडमी विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक माना जाता है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू जोरदार तालियों के साथ स्वागत चेयरमैन ऑफ बीपी मरीन एकेडमी मिस्टर आरसी सिंह। जोरदार तालियां लें जनरल। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज 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 बैठिए प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम सेल्फ मेड में आने का। आपकी कहानी हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बहुत बहुत प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, राइट? तो उस स्थान के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, इनके बारे में कुछ बताइए। मैं उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। बलिया में एक रसड़ा तहसील है। सो बलिया जिला जो है, एक्चुअली राजा बलि वहाँ पर पैदा हुए थे। अच्छा। और एक्चुअली नाम उसका बलि था, बलि से बदलते बदलते बलिया में बदल गया। और वहाँ पर भृगु मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की थी। वहाँ पर भृगु मुनि का आश्रम है। और मुनि परशुराम, जिनके ऊपर माता की हत्या का आरोप, मतलब ये लगा था, पाप लगा था, वो पाप वहाँ पर बलिया में आने के बाद उनका पाप धुला। अच्छा। और ये वो वीरों की भूमि है। जहाँ मंगल पांडे और चित्तू पांडे जैसे स्वतंत्रता संग्रामी पैदा हुआ करते हैं। जी जी। मैं उस बलिया क्षेत्र का रहने वाला हूं और मुझे बहुत गर्व है कि मैं बलिया जिले में पैदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने ये जो कहानी हमारे साथ शेयर की है और आगे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जीवनी पर एक छोटा सा वीडियो हमने तैयार किया है, उसे आइए देखते हैं। आरसी सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसडा गाँव में हुआ था। इनके पिता तारकेश्वर सिंह एक किसान थे। परिवार का बोझ उठाने के लिए कम उम्र में ही मुंबई आ गए और यहाँ एक समुद्री जहाज में नौकरी कर ली। एक दिन एक दुखद घटना घटी और एक हादसे में उनका दायां हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें मरीन की नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर इन्होंने गुजारे के लिए पीसीओ बूथ चलाना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने एक कमरे में बीपी मरीन इंस्टीट्यूट शुरू की। आज ये मरीन इंस्टीट्यूट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मरीन इंस्टीट्यूट में से एक है। बीपी मरीन इंस्टीट्यूट अभी तक करीब 4,65,000 सी फेयरर को ट्रेन कर चुका है। इसके लिए दो बार इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। आरसी सिंह इस विख्यात बीपी मरीन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। आरसी बहुत ही उदार दिल के व्यक्ति हैं। ये करीब 20 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में अपने छात्रों को दे चुके हैं। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज सेवा करते हैं। न जाने कितने दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन जीने में आरसी सिंह मदद कर रहे हैं। इन्होंने गांव में 4 मंदिर और मजार भी बनाए हैं। साथ ही आरसी करीब 10,000 सीनियर सिटीजन के मेंटोर भी हैं। सचमुच इनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सिंह साहब, आपने बहुत ही कम उम्र में घर छोड़ दिया था, उसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्यों किया आपने? मेरे पिताजी एक किसान थे जी। और बहुत परिश्रम से हमें पढ़ाया था,
मैं हिंदी मीडियम से पढ़ करके उड़ीसा गया इंजीनियरिंग करने के लिए। अच्छा। और उड़ीसा से इंजीनियरिंग करके जब आया तो पिताजी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, चार बहनें थी जिनके शादी के लिए काफ़ी परेशान रहा करते थे। तो मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया था, उस समय में एयर इंडिया का जॉब बहुत अच्छा माना जाता था। जी जी। लेकिन उसकी कंपैरिजन में मर्चेंट नेवी में सैलरी जो है चार गुना थी। अच्छा। और मैंने इसके लिए एयर इंडिया का जॉब छोड़ करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया और जो भी सैलरी पाते रहा अपने पिताजी को हेल्प करते रहा, बहनों की शादी में हेल्प करते रहा। तो आपने घर छोड़ा था लेकिन घर वालों को नहीं छोड़ा था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज भी हमारी आत्मा वहीं पर बसती है। वहीं पर बसती है। आप जाते रहते हैं वापस? बिल्कुल, हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं जी। लेकिन उस जमाने में सुना है कि एयर इंडिया के जैसी नौकरियां बहुत पॉपुलर थी लेकिन मर्चेंट नेवी में उस जमाने में ज्यादा लोग नहीं जाते थे, तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे है? सर जैसे मैंने बताया कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था मेरे पिताजी को और एयर इंडिया की कंपैरिजन में सैलरी इसमें बहुत ज्यादा थी, इसके लिए मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। और हमारे गाँव के एक व्यक्ति थे जो कि मर्चेंट ने भी ज्वाइन किए थे, उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया। अच्छा। कि इसमें सैलरी एयर इंडिया से चार गुना है, चार गुना ज्यादा, और ऑल ओवर वर्ल्ड घूम सकते हो, लेक्रेटिव लाइफ है, और सेकंड इंजीनियर बनने के बाद यू कैन कैरी योर फैमिली आल्सो। ओके। तो हमने अपनी वाइफ को भी लेकर के मर्चेंट ने भी सेल किया, सी है सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी वाइफ का एक डायलॉग है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो मर्चेंट ने भी के सिप पर है, कोई चिंता नहीं है। ये तो तय है कि आपकी जिंदगी बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही एक्साइटिंग रही है, लेकिन उस दौरान आपके साथ एक दुर्घटना भी घटी थी शिप के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं, क्योंकि उससे भी वो लोग प्रेरित होंगे कि स्ट्रगल जारी रहती है, ये छोटे मोटे रिकॉर्डें आती रहती जिंदगी में। तो आपके साथ वो क्या हुआ था और उसे आपने पार कैसे किया? मर्चेंट नेवी में जिसे वन एंड टू अदर एंड शिप पर जा करके काम करना पड़ता है, इंजन रूम में भी काम करता है, हर पार्ट में मशीनरी होती है जिसको कि इंजीनियर देखते हैं, और केप टाउन में फ्रिक वेव जो है डेक से पार करता था, तो उसने मेरे को बताया, बट वो एग्रेसिव नेचर होने से जस्ट आई अवॉइड इट। और उसको ले करके मैंने काम करके जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वही फ्रिक वेव वो आया एंड लाइक यू नो थ्रोन ऑल अराउंड द शिप्स, माय सेवन रिब्स वाज ब्रोकन, मल्टी फ्रैक्चर वाज देयर, आई वी बिकम इन कॉमा फॉर 14 डेज, आई हैड बीन ट्रांसफर बाई हेलीकॉप्टर टू डरबन, और वहाँ पर मेरे को करीब 1.5 मंथ्स तक हॉस्पिटल में रह करके ट्रीटमेंट कराना पड़ा। आप कोमा में थे उस वक्त? राइट। और 93 से लेकर के 97 तक हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। ये 93 से 97 तक आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ मैं। इस हादसे के बाद इन्हें कई लोगों ने कहा कि भाई घर लौट जाओ, कई लोगों ने ये कहा कि विकलांग आश्रम में चले जाओ, जिंदगी खुशी खुशी कट जाएगी, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद का एक पीसीओ खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। I think when I am doing somebody's makeup, so I am just thinking that, you know, some canvas is front of my face. So I work like an artistic that I have to create a exact perfect face shape. Introducing International Standard Air and RO Water Purifiers, products from Future Choice Group, a leading diversified business group assuring future. Join Merchant Navy and Hospitality Management, BSc Nautical Science, Electro Technical Officer, ETO course and HND Nautical Science in Marine Engineering. Courses approved by Director General of Shipping, Government of India and MCA Government of UK. BP Marine Academy, best infrastructure amongst marine institutions in India. Rated outstanding by DNVGL. Twice received the Limca Book of National Record for training highest number of candidates. Business ke utar chadhav mein, jab baat ho आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। जी वो हम सोच रहे थे कि अगर कुछ 25 लाख अगर ठीक है तो आंटी जी कम से कम 50 लाख, और हाँ एक फ्लैट और एक लंबी सी गाड़ी। हाँ
अगर ये आप दे सकते हैं तो बात करते हैं। बदल रहा है इंडिया का स्वाद, फ्रूट सब, फ्रूट भी क्रिस्पी। अपनी बचत पर पाएं पूरा लाभ, खोलें यस बैंक के साथ बचत खाता और पाएं 6% ब्याज। इंडिया बोले यस एक लेस कैश इकोनॉमी को। पवित्र गोमूत्र एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गो माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। There is so much happening here. The change in the policy framework and the institutionalization of that framework is going to create a lot of opportunities in the power sector. It will foster innovations. It will lead to state-of-art manufacturing facility establishment in the country and skill development. India is one country which has demographic dividend, and this is a great Make in India story, and I think it's timely. Today, I can proudly say that technology-wise, we are comparable to anybody in the world. Riya, please, jaldi karo, Baba, movie ke tickets nahi milenge. Bas 5 minute. Bhai saab, Bhabhi ji ke 5 minute ka to pata nahi. मगर चुटकी में मूवी टिकट्स बुक करनी हो तो बताइए, बस अपना फोन निकालो, बरोडा डेबिट कार्ड लो और कोई भी मूवी ऐप पर डिटेल्स भरकर कैशलेस बैंकिंग करो एनी टाइम एनीवेयर। उतना ही नहीं, बैंक ऑफ बरोडा के अन्य प्रोडक्ट्स के साथ आज ही कैशलेस जिंदगी का असली मजा लो। बैंक ऑफ बरोडा, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। सर जल्दी चलो, टिकट्स नहीं मिलेगी। बस 5 मिनट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूं रोहित रॉय, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और हमारे साथ विराजमान है सिंह साहब। सिंह साहब जो बीपी मरीन एकेडमी के चेयरमैन हैं। सिंह साहब, आपने उस हादसे के बाद कई लोगों ने आपसे कई कुछ बहुत सारी चीज़ें कही थी, लेकिन आपने एक अपना पीसीओ खोल दिया, समय उस समय के बारे में कुछ बताइए। वेल ड्यूरिंग माई सर्विस पीरियड हमने एक दुकान खरीदा था सैनपाड़ा में, छोटा सा दुकान खरीदा था। जी जी। तो मैंने आज तक अपने हैंडीक्राफ्ट का कोई भी उपयोग नहीं लिया था, एक्सेप्ट वो एसटीडी पीसीओ बूथ खोलने के लिए। ओके ओके। तो बहुत जल्दी मेरे को एसटीडी पीसीओ बूथ मिल गया, और स्पेशली उन दिनों में मोबाइल इतना नहीं हुआ करता था, और 12 बजे के बाद उसका रेट कम होता था। अच्छा। तो माय वाइफ जो है 12 बजे के बाद वो जो एम्प्लाई रहता था चला जाता था, 12 बजे के बाद मेरी वाइफ बैठती थी। अच्छा। और मैं वहाँ पर उनके लिए सेफ्टी के लिए मैं बैठता था। ओके। तो 12 से 2-3 तक हम लोग बैठते थे। जी जी। और उस जमाने में अगर 150-200 रुपए मिल जाते थे तो बहुत खुशी होती थी कि आज 200 रुपए मिले हैं। तो उस दौरान आपने पीसीओ खोला, लेकिन उसके इमिजिएटली बाद आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं एक मरीन एकेडमी शुरू करूं, और क्यों आया? जी, सो जैसे मैंने बताया सर कि हर जगह लिखा रहता है, प्रोवर्ब्स होता है, इट्स नॉट ए प्रोवर्ब्स, इट्स ए रियलिटी, लाइक नो कि सेफ्टी फर्स्ट। जी। इंजन रूम से लेकर के हर पार्ट में लिखा रहता है जहाँ कन्फाइंड स्पेस होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। तो हमने सेफ्टी फर्स्ट को एक एग्रेसिव नेचर के चलते अवॉइड किया, और हमने ये रियलाइज किया कि ये जो प्रोवर्ब्स है इट इज नॉट ए जस्ट डायलॉग सर, इज नॉट ए फोटोग्राफ सर, इज नॉट ए, हाँ, तो इसका मतलब होता है। जी जी। तो हमने डिसाइड किया कि मैंने तो अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, लेकिन मैं अपने नाविकों को ये शिक्षा दूंगा कि व्हाट इज सेफ्टी। जी। तो 18 महीना स्ट्रगल करने के बाद एक मिस्टर रविचंद्रन, उस समय डिप्टी डायरेक्टर जनरल शिपिंग थे, उन्होंने सहयोग किया कि हाँ भाई कम से कम जा कर के इनका इंस्पेक्शन तो करिए। एंड कैप्टन सुब्रमण्यम जो कि एलबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अच्छा। वो आए इंस्पेक्शन किया एंड ही फाउंड कि 100% एवरीथिंग इज करेक्ट। वाओ। एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि खाली एक कोर्स आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रन डिफरेंट कोर्सेज, ही हैज गिवन द लिस्ट ऑफ द नेम। और एक के बाद एक रेंट पर हमने लिया, फिर वो रेंट से हमारी प्रोग्रेस होती गई और क्या आगे बढ़ता गया, और तालियां बनती हैं, बहुत ही प्रेरित करने वाली कहानी। और अगर दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो अगर सिंह साहब उस जमाने में ये कर सकते थे तो आप लोग भी कर सकते हैं।
आज तो माशाल्लाह बीपी मरीन एकेडमी पूरी बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग जो है 1.5 लाख स्क्वायर फुट की पूरी बिल्डिंग स्टेशन के सामने हमने खरीदी है। क्या बात है, क्या बात है, इंडिविजुअल सर। आज तो ये वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट हो गया है, लेकिन उस जमाने में ये सब करने में दिक्कतें तो आई होगी, पैसों की जरूरत पड़ी होगी, वो सब कैसे किया आपने? बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन एक कवि ने लिखा है कि हिम्मते मर्द मद्दे खुदा। जी 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 जी। और ओम शांति ओम में एक डायलॉग बोला गया है कि सच्चे दिल से कोई चीज की चाहत हो तो पूरी कायनात सपोर्ट करती जी, है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज नॉट ए जस्ट डायलॉग, बिल्कुल पिक्चर का ये नहीं है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। तो हमने जो अपने माता पिता से जो संस्कार पाया था, मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा एक हाथ में माला रखो और दूसरी हाथ में तलवार पकड़ो, मतलब शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ये एक जन्म कम है, एक से एक बढ़ करके दिग्गज आपको लड़ाकू मिलेंगे और एक से बढ़ करके एक साधु भी मिलेंगे, और इस चीज को अगर अपना लिए तो सारी दुनिया तुम्हारी कदमों पर होगी। दोस्तों, ईंट से ईंट जुड़ते गए और एक बहुत ही भव्य और बड़े इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ। आज यहां से लाखों नाविक ट्रेंड हो चुके हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है और यहां से ट्रेंड बच्चे प्रति साल खरबों रुपए भारत के लिए अर्जित करते हैं। आइए देखते हैं इनके द्वारा बनाए गए मरीन अकेडमी की एक छोटी सी झलक। मुंबई में स्थित बीपी मरीन इंस्टीट्यूट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे एशिया में नंबर वन है। यहां क्लासरूम उच्च कोटि के हैं, लाइब्रेरी तो पूरे विश्व में अनोखी है। इसमें 14 करोड़ रुपए का स्टडी मटेरियल है। यहां छात्रों को सिमुलेटर द्वारा ऑन सी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये विश्व के चुनिंदा मरीन इंस्टीट्यूट में है, जहां ऑन सी ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट के पास अपने बोट्स और समुद्र का कुछ हिस्सा है। इसके कंप्यूटर लैब का कोई जवाब नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब से प्रेरित है। मरीन एकेडमी कई विदेशी संस्थाओं से भी जुड़ी है, जैसे कॉलेज ऑफ ग्लासगो और साउथ शील्स कॉलेज। इंस्टीट्यूट बिल्डिंग बहुत ही आकर्षक है। इंस्टीट्यूट जिम, कैफेटेरिया और अन्य फैसिलिटी से लैस है। ये मरीन इंस्टीट्यूट अभी तक 10,500 छात्रों को प्री सी ट्रेनिंग दे चुका है और यहाँ के स्टूडेंट प्रति साल 6,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमाकर भारत लाते हैं। क्या बात, क्या बात, सुपर। सिंह साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे इनके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ और बातें। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सी यू सून। Are not life-threatening and they are curable. Think thyroid, think thyrocare. मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैं तुम लोगों को एक दिलचस्प बात बताऊं। ये लो। चेंज नहीं। तुमने बताया क्यों नहीं? छोटा नहीं है सर। हाँ, तुम खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी। हेलो सर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप काफी परेशान लग रहे हैं। अब कैश की जगह अपना कार्ड यूज कर सकते कहीं भी। अच्छा, मैं सिखाऊं? अब अपना एटीएम पिन डालिए, याद रहेगा ना सर? कहते हैं जब एक अच्छा टीचर लाइफ के लेसन दे जाए तो वो जिंदगी भर याद रहते हैं। ला, मुझे दे दो। अरे नहीं सर, नहीं, दे दो, दे दो। सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, पानी। कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद। अब डीवीडी पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड।
पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य तथा अनेक स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को हमने करोड़ों लोगों पर आजमाया और इसे हमेशा पूरी तरह से खरा पाया। पिंपल्स रिंकल्स मिटाए, मॉइस्चराइज्ड ग्लोइंग स्किन पाए, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाए, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। रिया प्लीज जल्दी करो, बाबा मूवी के टिकट नहीं मिलेंगे। बस 5 मिनट। भाई साहब, भाभी जी के 5 मिनट का तो पता नहीं, मगर चुटकी में मूवी टिकट्स बुक करनी हो तो बताइए। बस अपना फोन निकालो, बरोडा डेबिट कार्ड लो और कोई भी मूवी ऐप पर डिटेल्स भरकर कैशलेस बैंकिंग करो एनी टाइम एनी वेयर। उतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य प्रोडक्ट्स के साथ आज ही कैशलेस जिंदगी का असली मजा लो। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सर जल्दी चलो, टिकट्स नहीं मिलेगी। बस 5 मिनट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित रॉय और आप देख रहे हैं सेल्फ मेड, और हमारे साथ हैं सिंह साहब, आरसी सिंह साहब, जिन्होंने कई साल पहले एक कमरे से अपनी एक मरीन एकेडमी छोटी सी शुरू की थी। आज वो कमरा, वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंग्स, वो सारे बिल्डिंग इनके हैं जहाँ पे ये बहुत ही आलीशान वर्ल्ड रेनाउंड BP मरीन एकेडमी रन करते हैं। सिंह साहब, ये तो आपकी अचीवमेंट्स हैं प्रोफेशनली, हम अब आपसे बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है और आपके नजदीक, सबसे नजदीक कौन है? वेल, मेरे परिवार में दो मेरे बड़े भाई हैं जी, उनके बच्चे हैं जी, और हमारे दो बच्चे हैं वो भी मर्चेंट नेवी में हैं। क्या नाम है उनके? बादल एंड प्रताप। और इनमें से, सब में से आपके सबसे प्रिय या सबसे नजदीक कौन है और क्यों? Well, मुश्किल सवाल है लेकिन सबसे प्रिय मेरी वाइफ है। अच्छा। जिन्होंने मेरे को संकट के समय में भी तन मन धन से सहयोग किया। जी जी जी, क्या बात, क्या बात। तो दोस्तों, सिंह साहब से तो मिली, आइए मिलते हैं इनके परिवार से। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस सिंह को, जोरदार तालियों के साथ आइए 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 आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पे, आइए प्लीज प्लीज। प्रताप जो इनके छोटे बेटे हैं वो भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां प्रताप के लिए। हैंडसम यंग मैन, काफी हैंडसम है। बाबू जी नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं चाहता हूँ कि आपके स्ट्रगल के बारे में या इनके स्ट्रगल पीरियड के बारे में कोई एक ऐसी कहानी हमें, हमारे दर्शकों को सुनाइए जिससे हमें प्रेरणा मिले इनकी तरह आगे बढ़ने की। इन्होंने स्ट्रगल तो बहुत किया है जी, और सबसे बड़ा इनके आगे बढ़ने का श्रेय ये भी है कि जो कुछ भी ठान लेते हैं वो करते हैं। अच्छा। वो करना है, उसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बस करना है तो उसको करना है। प्रेरणा स्रोत है हम सब के लिए। हमारे साथ इनके सुपुत्र प्रताप भी हैं, प्रताप से पूछते हैं। प्रताप, आपके पिताजी ने ये जो सारी चीजें अचीव की है उनके बारे में तो हम सब जान चुके हैं, हमारे दर्शक जान चुके हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन के बारे में, आपके बचपन के बारे में आपके पिताजी से रिलेटेड कोई कहानी बताइए, या क्या लगता था आपको अपने पिताजी को, व्हाई ग्रोइंग अप? जी, एज अ फादर बहुत गिविंग नेचर के थे, सो मुझे अभी भी याद है बचपन में जब भी काम करते थे एंड थक हार के जब घर आते थे तो हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे हमारे साथ, एंड हमेशा स्टडीज़ में भी हेल्प करते थे, मेरे होमवर्क्स में हेल्प करते थे, एनुअल डेज PTs सब में साथ में भी जाते थे, फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देते थे, खुद एक बहुत अच्छे एथलीट थे अपने ज़माने में, तो जब भी आते थे घर पर फिर थकने के बाद भी मुझे ग्राउंड में ले जा देते हैं एंड ग्राउंड का राउंड लगा देते हैं, खुद खड़े होके काउंट करते हैं। क्या बात। मैं खुद इस संस्था में पढ़ चुका हूँ, BP मरीन एकेडमी में, तो मेरा, मैं हॉस्टल में ही रहता था एंड हॉस्टल का ही खाना खाता था, तो एक बार क्या हुआ, माता का तो प्यार जानती है, तो मम्मी ने एक बार मुझे कॉल किया कि बेटा अभी लंच ब्रेक है 12 बजे, तो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन बना है। तो मैं आ गया एंड एक्साइटमेंट में मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया एंड उधर ही खा रहा था, तो डैडी अनफॉर्चुनेटली उसी दिन जल्दी आ गए एंड आके पीछे खड़े हो गए, तो
तो खाके उठा हमने, डैडी को देखा, डैडी ने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो तुम हॉस्टल का छोड़ के? तो मुझे बोला कि तुम जाओ अभी वापस, एंड क्लासरूम के बाहर मुझे नील भी कराया। अच्छा, ये करना पड़ा तुम्हें? मतलब ये चाहते कि अपना जो अनुशासन इन्होंने अडेप्ट किया वो अपने बच्चे को भी वो अडेप्ट कराएं। फैंटास्टिक सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो दोस्तों ये कहानी तो आपने सुनी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आरसी सिंह साहब जो हैं बहुत ही धार्मिक और दयालु आदमी भी हैं। इन्होंने कई मंदिर भी बनवाए हैं, सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाया है। अभी तक ये अपने जबान से बताएंगे नहीं, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुके हैं और आज भी दे रहे हैं। सिंह साहब, आप एक सफल व्यक्ति हैं। आज इस सफलता के पीछे जो भी आपको लगता है गुरु मंत्र है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, ताकि हम भी प्रेरित हों आपकी तरह आगे चल के आपकी तरह सक्सेसफुल बनने। जो आदमी सत्य को अपना लक्ष्य मान करके आगे बढ़ता है, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं, पूरी समाज भी उसकी सहायता करता है, पूरा यूनिवर्स उसकी सहायता करता है। तो अगर किसी को लक्ष्य को पाना है तो उस गाने को याद रखे कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, चाहे बरसे अंबर से आग, चाहे लिपटे पैरों से लाग, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति कठिनाइयों को सामने आते हुए उसको टालते जाए और मंजिल हमेशा देखते रहे, तो लक्ष्य उसको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरसी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे स्टूडियो में आए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, बस एक पत्थर तबीयत से उसकी तरफ उछालो तो यारो। दोस्तों, आरसी सिंह साहब की जिंदगी यही कहती है। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ऐसे ही एक चमत्कारी पर्सनालिटी के साथ जो हमें प्रेरित करेगा हमारी जिंदगी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून ऑन सेल्फ मेड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।